हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज है संडे और एज अ रेगुलर व्यूअर आप इस बात को जानते हैं कि हफ्ते में दो दिन यानी संडे और वेडनेसडे को एयरलाइन एयरपोर्ट में जो भी वैकेंसीज होती हैं उसका अपडेट लेकर आता हूं। अपडेट मतलब वैकेंसी हो, नहीं हो, नई हो या पुरानी हो, सारा अपडेट लेकर आता हूं। इसका फायदा यह होता है कि अगर कोई वैकेंसी आपसे मिस हो गई हो, आप कोई वैकेंसी स्किप कर गए हो, तो इस वीडियो को देखकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के वेरी इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल में ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। पॉइंट नंबर टू, फ्रॉड से बचे, दलालों से बचे, जालसाजों से बचे। एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए पैसे नहीं लगते। और पॉइंट नंबर थ्री, कभी भी कुछ पूछना, जानना, समझना हो, डॉक्यूमेंट चेक कराना हो, तो वीडियो कमेंट में कमेंट कीजिएगा या फिर मुझे फॉलो कीजिए मेरे इंस्टाग्राम चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया पे, जहां पर मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत कुछ है। केबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, वॉक इन इंटरव्यू, इंजीनियरिंग, इच एंड एवरीथिंग, हर जगह की वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात, 12th बेसिस पर भी ढेर सारी वैकेंसीज बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे जो पहली वैकेंसी है वो है इंडिगो की होगी और इसमें हम बात करेंगे आउट ऑफ ऑल वैकेंसीज केबिन क्रू के बारे में। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है 12th पास, एज 18-27 ईयर्स और कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। अभी देख पा रहे हैं 29th को जम्मू कोलकाता में वैकेंसीज है, केबिन क्रू की वॉक इन इंटरव्यू है। इसके अलावा आप जो देख पा रहे हैं दिल्ली में 30th of November को ये वैकेंसीज है, आप जाइए चेक कीजिए एंड अप्लाई कीजिए। इसके अलावा 30th November को जो वॉक इन इंटरव्यू है केबिन क्रू की, वो मुंबई और शिलोंग में है। पुणे और बागडोगरा में भी केबिन क्रू की वैकेंसीज है, जो कि ये सारी वैकेंसीज वॉक इन इंटरव्यू है। अब बात करते हैं दोस्तों ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी के बारे में, जो कि 12th और ग्रेजुएशन दोनों के बेसिस पे है, एज 18-27 ईयर्स और कोई विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी में वॉक इन और नॉर्मल दोनों है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 12th पास, फ्रेशर और एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज हैं उसमें वॉक इन इंटरव्यू के बारे में। दोस्तों, 30th of November को कोलकाता में वॉक इन इंटरव्यू है ग्राउंड स्टाफ के बारे में, अप्लाई करके जाइएगा। और जो देख पा रहे हैं ये डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन टाइम है 10-11 AM 30th of November मॉर्निंग, सुबह में। दोस्तों, वेन्यू देख पा रहे हैं, ये जो डिटेल्स है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो पर्टिकुलर लोकेशन है कोलकाता में वेस्ट बंगाल, आप जाकर यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राउंड स्टाफ की नॉर्मल वैकेंसीज के बारे में, जो कि 12th बेसिस पर है। दोस्तों, सबसे पहली वैकेंसी है हैदराबाद में, उसके बाद है बेंगलुरु में, 0-7 ईयर्स यानी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी है दोस्तों दिल्ली में, और उसके बाद की वैकेंसी जो है वो चेन्नई में। आई रिमाइंड, दिस इज फॉर फ्रेशर ऑल्सो। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों जिसमें 12th के अलावा अप्लाई कर सकते हैं, वो है रांची और मुंबई में, जो कि रांची में आपको ग्राउंड स्टाफ के लिए है रैंप स्टाफ। दोस्तों, अगली वैकेंसी है पुणे में, और ऊपर आप देख पा रहे हैं जस्ट रिमाइंडर कोलकाता का वॉक इन इंटरव्यू। इसके अलावा दोस्तों इन्फॉर्मेशन यानी आईटी में गुड़गांव के लिए वैकेंसीज हैं, और इसके बाद जितनी वैकेंसी बता रहा हूं सब में फ्रेशर्स नहीं बल्कि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सारी वैकेंसीज में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आईटी, एचआर, फाइनेंस और इंजीनियरिंग के अलावा OCS यानी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में बहुत सारी वैकेंसीज है। दोस्तों, प्लीज डू ट्राई, चेक कीजिए और अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कीजिए। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर आई बटन में जो दिख रहा है इंडिगो में अप्लाई कैसे करें, उसे क्लिक करने के बाद मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि किस तरह से आपको इंडिगो में अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर कोई डाउट परेशानी होगी तो वीडियो कमेंट में कमेंट कीजिएगा या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री में रिज्यूम डाउनलोड करने के लिए एक लिंक दिया है, और ऊपर आई बटन में जो आप देख पा रहे हैं रिज्यूम कैसे बनाएं उसको चेक करके आप रिज्यूम बना सकते हैं। जो अगली वैकेंसी है दोस्तों वो है स्टार एयर की, और ये है वॉक इन इंटरव्यू, जो कि आप देख पा रहे हैं, और इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आज मॉर्निंग में बना चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वैकेंसी कॉल सेंटर प्रोफेशनल्स की है दोस्तों, और यहां पर ये आपको 2nd December को होने वाली है 10-3 PM के बीच में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस एड्रेस पे बेंगलुरु में ये वैकेंसीज होने वाली है। इसके अलावा जो वेबसाइट पर दिखा रहा है दोस्तों वो है कॉन्टैक्ट सेंटर एग्जीक्यूटिव और कॉन्टैक्ट सर्विस एग्जीक्यूटिव। बात करें कॉन्टैक्ट सेंटर एग्जीक्यूटिव की, तो दोस्तों इसमें जो भी आपको रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिकेशन वाला पार्ट इसमें भी है, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए किसी भी शिफ्ट में काम करने के लिए, और हिंदी और कन्नड़ आपको ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी अटेंडिंग इनबाउंड कॉल होते हैं वहाँ पर आपको वर्क करना पड़ता है। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, ये पर्टिकुलरली आपको एयरपोर्ट वाले पार्ट को देखेंगे। ग्लोबली आपको गुड कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए। ग्रेजुएट्स एंड फ्रेशर्स कैन अप्लाई। इसके रिगार्डिंग सिंपल सी बात आप ये समझिए, अगर आप एयरपोर्ट पर काम करते हैं तो पैसेंजर से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होती हैं, A to Z, पैसेंजर इन करता है और फाइनली आउट करता है,
तो सारी वर्क आपको करना पड़ता है। अप्लाई करने के लिए अप्लाई बटन पर क्लिक करके जो भी डिटेल्स होगा आप उसको फिलअप कर दीजिएगा। दोस्तों अगली वैकेंसी है विस्तारा की, और फिलहाल हम सबसे पहले बात करेंगे विस्तारा में केबिन क्रू के रिगार्डिंग। दोस्तों केबिन क्रू के रिगार्डिंग जो पहले दो वैकेंसी थी उसमें फिलहाल कुछ एडिशन नहीं हुआ है। आप देख पा रहे हैं केबिन क्रू की ये दो वैकेंसीज हैं ये दिल्ली और बैंगलोर के लिए हैं। रिक्वायर्ड है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, 12th पास होनी चाहिए और मिनिमम आपका 60% होना चाहिए, इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, एज आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 32 अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्राउंड स्टाफ वैकेंसी। दोस्तों ग्राउंड स्टाफ में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बस मैं यही कहूँगा, क्योंकि दोस्तों अगर उसके लिए मैं वीडियो बनाने लगा यकीन मानिए वीडियो कम से कम आपको आधे घंटे का होगा, कम से कम आधे घंटे का, कितना भी शॉर्ट करूंगा। तो ये जो देख पा रहे हैं इतनी सारी वैकेंसीज ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं। ये अलग बात है कि मैक्सिमम ऑफ द वैकेंसीज में आपको एक्सपीरियंस चाहिए, बट आई डू सजेस्ट प्लीज़ जाकर क्लिक कीजिए, चेक कीजिए। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो वीडियो कमेंट में कमेंट कीजिएगा या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, डीएम कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। तो दोस्तों मेरी कोशिश अगर आपको अच्छी लगती है, मेरे कंटेंट्स आपको अच्छे लगते हैं, मैं आपको अच्छा लगता हूं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों कोशिश मेरी हो रही है यार 50K पहुंचा जाए, थोड़ा सा अच्छा लगता है। सो आई होप मुझे आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।